बिल्कुल बढ़ते हैं आगे जी, बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का। ये खबर हमारे पास बिहार से आ रही है, जहां पर विधानसभा में सत्र के दौरान नीतीश कुमार पर 10 तेजस्वी यादव के आरोपों पर नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का, इसलिए हम सुनते रहे, हम नहीं बोलते हैं। और इसके पिता को, इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? डिप्टी चीफ अंदर की कार्रवाई हमने आपको दिखाई, जिसमें जबरदस्त यहां पर आरोप प्रत्यारोप के आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। रोहित सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। रोहित, एग्जैक्टली क्या हुआ विधानसभा के भीतर? बहुत गर्मा गर्मी और बहस यहां पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा क्या, हमने गलत बोला? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कल गवर्नर का यहां पे अभिभाषण हुआ था, उसी पर आज जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। और सुबह जब तेजस्वी यादव बोलने के लिए उठे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर दो गंभीर आरोप लगाया, बताया कि किस तरीके से 1991 में उनके खिलाफ एक हत्या का मामला चला था, और दूसरा उन्होंने कहा कि कंटेंट चोरी के आरोप में नीतीश कुमार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी पहले लगाया जा चुका है। तो इन दो मुद्दों को तेजस्वी यादव ने उठाया, और उसके बाद आज विजय चौधरी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पीकर से मांग की कि ये दो आरोप लगाए दम नहीं है, इसलिए इनको कार्रवाई ट्वीट कर दी चाहिए। और इस तेजस्वी है ये सब जो बातें रख रहे हैं, इसी दौरान नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, और आप तस्वीरों में देख रही होंगी जो उन्होंने, उनका जो गुस्सा देखने वाला था वो आज तक शायद किसी ने नहीं देखा हो। और तेजस्वी यादव पर वो जमकर बरसे और उन्हें एक नेता, ऐसा नेता बताया जो झूठ बोलता है, और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त के भाई समान दोस्त का बेटा है, इसीलिए ऐसे आरोपों को वो लगातार सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जमकर बरसे तेजस्वी यादव पर, बताया कि कैसे उन्होंने ही उसे डिप्टी सीएम बनाया था। कि नीतीश कुमार को शायद इतने गुस्से में इससे पहले ही कभी देखा गया हो, ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं पड़ता। लेकिन जबरदस्त नाराजगी उन्होंने विधानसभा में जाहिर की। एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिस दौरान ये गुस्सा उन्होंने जाहिर किया, क्या तस्वीर विधानसभा के भीतर थी। मसला है पे हत्या का, मुख्यमंत्री को पड़ा हमने गलत, ये तो विषय आ चुका है महोदय, एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष सकाश ही बोल रहा है, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए, ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा रूप शायद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किसी से पहले देखा हो। लेकिन रोहित, इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस ताकत के साथ तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी आई है, अब ये तो साफ है कि महागठबंधन की ताकत जिस तरह इजाफा हुआ है बड़ी है। ये तस्वीर, इस तरह के मामले अब आए दिन दिखाई देते रहेंगे। ये 5 साल का समय अब नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। जी बिल्कुल, ये सबसे जो है मतलब कह सकते मुश्किल वाला
होने वाला है नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन कमजोर नहीं है, 110 की संख्या आरजेडी है और इसे आप देखिए आने वाले 5 तरीके के जो तीखा टिप्पणी के खिलाफ जो वॉर ऑफ वर्ड्स किस तरह जिसे कहते हैं वो चलती रहेगी और उसी का एक जो आज सकते हैं ट्रेलर जो है हम लोगों ने विधानसभा में देखा जब गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और उस दौरान तेजस्वी यादव तरीके से नीतीश कुमार जो है आज आग बबूला हो गए, तो ऐसी तस्वीरें आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेगी। ये बात एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल श्योर है। जी शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का ये आक्रामक अंदाज आरोप लगाने का और इस पर आज जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाहिर की जो अपने आप विधानसभा में दिखने वाली तस्वीर थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉरन लौटेंगे।